हाय, ये मैं हूँ विदाउट मेकअप, कितनी खुश दिख रही हूँ। और अब मैं लगाऊंगी एक प्राइमर। प्राइमर इसे आप एक्चुअली कह सकते हो पुट्टी, ये सारे गड्ढे भर देती है। और ये है मेरा फाउंडेशन जो कि मैंने सिर्फ एक बूंद लिया है। और देखा कितनी तेज़ी से लगा सकती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। वाह, हाथ है बहन मशीन। ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये है कंसीलर, इससे मेरे आंखों के नीचे वाले काले काले गड्ढे दिखेंगे ही नहीं। और देखा, अभी देखना, लिप्स तो मैं ऐसे बनाऊंगी ना, तो मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। और ये है मेरा फोरहेड, छोटा है पर मैं बड़ा कर लूँगी। ओह, तुम्हें लग रहा है मैं एकदम गुलाबी रानी क्यों लग रही हूँ? वो मैंने लिप शेड लगा लिया था, उसी को मर्ज कर लिया। ओके, मैं थोड़ा लेट बोल रही हूँ, पर ये है कंटूरिंग। ये आप अपनी स्किन से और थोड़ा नीग्रो शेड बोलते हैं या डार्क शेड बोलते हैं, उसको लगा लो और उसको फटाफट से इसी तरह से हाथ चला करके ब्लेंड कर दो। ये है बनाना पाउडर, नहीं ये बनाना से बिल्कुल भी नहीं बनता है। और लग्जरी का तो पता नहीं, मुंह पे ही तो लगना है। दिखते तो सारे पाउडर एक जैसे, लग्जरी ये क्यों लिखते, वो तो ये ही जाने, शायद ज़्यादा पैसे चार्ज करने के लिए। इसे कहते हैं हुला, ये भी एक डार्क कलर का पाउडर है। इसको लगाने से हमारा फेस काफ़ी पतला दिखता है। अगर आपको दिखना है पतला तो आप इसे लगाइए, और अगर आपको आपकी नाक पतली दिखानी है, हाँ, और सुंदर, तो आपको ठीक इसी तरह से लगाना होगा जैसे मैंने लगाया। और ये एक लाइट शेड का कॉम्पैक्ट पाउडर उसके बीच में लगाई है। यस, अब ये है चमक, नहीं ग्लिटर, नहीं हाइलाइटर। हाँ, इतना भी नहीं पता, ठीक, इसीलिए तो मैं हूँ। ये हाइलाइटर मैंने नाक पे भी लगाया, अब मेरी नाक चमकेगी। और ये मैंने अपने चीक बोन्स पे भी लगा दिया, मतलब जहाँ ब्लश लगाते हैं उसके ऊपर। मैंने सोचा डबल मेहनत कौन करेगा, तो उसी ब्रश को वापस मैंने अपने आईब्रोज के नीचे भी आँख के ऊपर लगा दिया। ये रिबेल एक शेड है जिसको मैं थोड़ा थोड़ा सा लगा के, ओह माई गॉड, मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैंने एक साथ भर दिया। नहीं, ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं बताऊँगी। इंगलॉट का शेड है, ऑमरे भी बना दिया, पर आपको नहीं बता पाऊँगी मैं इस वीडियो में। अपने आईब्रोज को किस तरह से भर दें, ठीक उसी तरह से जिस तरह से बचपन में आप वो ड्राइंग बुक में कलर्स को फिल करते थे। एग्जैक्टली, दो लाइन खींचना है, एक नीचे और एक ऊपर, और भर दीजिए। अब ये एक पर्पल कलर का मैट शेड लेकर के, ठीक है, हंस लो, बहुत अच्छे से राउंड राउंड शेप में आईलेट के ऊपर लगा दीजिए। उसको बहुत देर तक ब्लेंड करना है, इसलिए मैंने वीडियो फॉरवर्ड कर दिया। नीचे एक वाइट कलर का मैट शेड भी लगाया है और इसको भी ब्लेंड करना है ठीक इसी तरह से। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करा जिस तरह से मैं मेकअप कर रही हूँ वैसे ही, तो हो सकता है आपका मेकअप का रिजल्ट डिफरेंट आए। हाइलाइटर भी लगाया मैंने इनर कॉर्नर पे, और ये है ग्रीन कलर की पेंसिल। बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था यार ये वाला, तो डिसाइड करना कि ग्रीन लगाना है या ब्लैक लगाना है, लगाना भी है या नहीं लगाना है। तो फिर मैं जो लगा ही लेते हैं यार, रखा ही हुआ तो है। और नीचे ब्राउन कलर से अंडर आई को फिल कर दिया, कॉर्नर से, आउटर कॉर्नर से लेकर के इनर कॉर्नर। और सेम ग्रीन कलर वाटर लाइन पे भी लगाया। आ, सुंदर लग रही है ना मेरी आंखें, वो तो मैं हुई क्यूट। ओके, मस्कारा भी लगा दो, ठीक है, वाओ, हॉट तो मैं हूँ ही। देख लो मेरा मेकअप सही है, मुझे तो सही लग रहा है। अब आपको लगे ना लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हर एंगल से दिखा दी। अच्छा, मैंने इस पे साड़ी पहनी थी, मैंने सोचा था इंडियन फेस्टिवल लुक है क्योंकि राखी भी आ रही है। वैसे राखी पे मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, सोच के मैंने वही करा था, लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, फिर बाल भी बांध लिए। हेयर स्टाइल मैं इस वीडियो में तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे करा है, ठीक है, थोड़ा सा इतरा लूँ। ओके, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ खड़े होकर ये पोज करना है। ओके, अच्छी लग रही हो, साड़ी भी सेट कर लिए, बाल भी सेट है, ये स्माइल, फेक स्माइल। ओके, अब स्माइल नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा एटीट्यूड दे करके। ओके, वाह, तुम्हारी इयररिंग्स कितने सुंदर लग रहे हैं, तुम कितनी सुंदर हो, जी मजा आया। एक ठुमका इधर, एक ठुमका उधर, वाह,
हाँ बहुत ही सही, खुद की तारीफें खुद ही कर लो, किसी और की जरूरत ही नहीं है। बस नहीं, एक्चुअली मुझे खुद को ही देख करके खुद से प्यार हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा वीडियो और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब आपको देखना है एंड तक, तो आप देखिए, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर और इतराऊंगी और उसके बाद में ये वीडियो एंड हो जाएगा, क्योंकि मेकअप करना तो मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ। और मेरे बालों में जो मैंने नकली फूल लगाए हैं वो भी लग तो सुंदर है, ये फिल्टर भी अच्छा था, तो मैंने सोचा ये वाला वीडियो भी डाल ही देती हूँ। अच्छा, बाय द वे, मैं